Assalamu alaikum, dear Vifians. Today we are going to start a very important topic. We are starting a new section and that is known as the first Islamic community. Ye first Islamic community jo hai wo section number 4 hai paper 1 ka. Jaisa ki aapko pata hai ki aapka jo paper hai ya aapka jo syllabus hai wo syllabus do papers mein divided hai. Un do papers ke andar paper 1 mein 4 sections ko pucha jata hai aur paper 2 mein 4 sections ko pucha jata hai. तो पेपर वन के जो चार सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला सेक्शन पेपर वन का है कुरानिक पैसेजेस, 15 कुरानिक पैसेजेस. सेकंड सेक्शन ऑफ पेपर वन, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान. थर्ड सेक्शन ऑफ पेपर वन, द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड द फोर्थ सेक्शन ऑफ पेपर वन, द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी. आप जब बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तो ये सेक्शन आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप शॉर्ट बायोग्राफिकल अकाउंट्स बता रहे होंगे हुजूर के करीबी साथियों, कंपेनियंस, अहले बैत, द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट, इन सब के बारे में, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स और देयर रोल्स और सर्विसेज फ्रॉम देयर लाइफ विल बी कवर्ड फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अगर आपने हुजूर की बायोग्राफी को बहुत अच्छे से कवर किया है सेक्शन 3 के अंदर, तो आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वहीं से लेके उस पर्टिकुलर कंपेनियन के बारे में लिख रहे होंगे. इसका पास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकता है और दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पार्ट ए 10 मार्क का होगा, पार्ट बी 4 मार्क का होगा. जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो इस पार्ट ए के अंदर यू विल हैव टू राइट 350 to 500 वर्ड्स. तकरीबन एग्ज़ाम में आपको इसके लिए 18 मिनट लगानी होंगी. और 18 मिनट के साथ साथ दिस पार्ट ऑफ द पेपर ऑल द पार्ट इज टेस्ट योर नॉलेज, और ये आपकी फैक्चुअल रेलिवेंट नॉलेज चेक करेगा कि आप क्वेश्चन में ये चीज़ समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए. जब हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है वो तकरीबन आपने लिखना होता है 100 to 150 वर्ड्स. ये अप्रॉक्सीमेट वर्ड लिमिट मैंने जनरेट करी है, एग्जामिनर की वर्ड लिमिट ये नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आप इससे ज़्यादा या कम भी लिख सकते हैं, बट यू शुड राइट क्वालिटी एंड रेलिवेंट स्टफ. इसके अंदर आपको 4 मार्क के सवाल के लिए आपको 7 मिनट लगाने होते हैं, और ये आपका ओपिनियन या इवेल्युएशन को चेक कर रहा होता है. तो अगर एक सवाल आएगा तो पार्ट ए और पार्ट बी 10 और 4 मार्क का होगा, और अगर दो सवाल आएंगे तो भी दो पार्ट एज और दो पार्ट बीज 10 और 4 मार्क के होंगे. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी. अब हम देख लेते हैं कि इस फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं जो हम कवर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. मगर इसमें एक चीज़ ये भी नोट करने की है कि मैंने इस टॉपिक को तकरीबन 20 पास्ट पेपर क्वेश्चंस में तोड़ा है, 20 पास्ट पेपर क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज आप समझ लें, अभी हम लोग तकरीबन 50 to 55 कंपेनियंस और पर्सनालिटीज़ के बारे में तस्करा करेंगे, तो उनको याद किस तरह से किया जाए. तो बेस्ड ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली हैज़ अ पर्टिकुलर कंपेनियन बीन आस्ड इन द एग्ज़ाम, उस हवाले से 20 पास्ट पेपर क्वेश्चंस के ज़रिए आपको ये टॉपिक कवर किया जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रीक्वेंटली किन पर्सनालिटीज़ के बारे में पास्ट पेपर्स में सवाल आए हैं. जो ऐसा मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर 20 पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं. तो जो मेजर टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे. अशरा मुबशरा जिन्हें कहा जाता है. इसके अलावा लीडिंग कंपेनियंस के ऊपर एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं, यानी जो कंपेनियंस 10 बेस्ट में शामिल नहीं है लेकिन वो लीडिंग कंपेनियंस का हिस्सा है, तो वो भी हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. इसके अलावा मदर्स ऑफ द फेथफुल एक टॉपिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी वाइफ्स थी वो उम्मत की माएँ हैं, उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में तस्करा करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 to 12. फिर 4 डॉटर्स एंड 2 ग्रैंड सन्स, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 2 नवासे रसूल हज़रत हसन हज़रत हुसैन की पर्सनालिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, द मेन इवेंट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. उसके बाद महाजरीन अनसार के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 and 18 है. स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन पे क्वेश्चन 19 and 20 है. और फिर इस फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में एक टॉपिक कहलाता है 12 शिया इमाम्स. तो क्योंकि 12 शिया इमाम्स में से पहले इमाम हज़रत अली को हम यहाँ कवर कर चुके होंगे 10 बेस्ट कंपेनियंस में, और इमाम हसन और इमाम हुसैन यानी सेकेंड और थर्ड शिया इमाम को हम कवर कर चुके होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, तो उसके बाद 9 जो इमाम्स रह जाएंगे उसका ब्रीफ में तस्करा होगा, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर कोई पास पेपर क्वेश्चन आया नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन द पास पेपर क्वेश्चंस वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक. तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है
उसके ऊपर हमारे हैंडआउट 1.4 के अंदर तकरीबन चार पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 वी आर गोना डिस्कस डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड द मेन इवेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ्स ऑफ दिस पर्सनैलिटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इस्लाम एंड द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जो 10 अशराए मुबशरा हैं वो स्टार्ट होते हैं हज़रत अबू बकर नंबर 1, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत उस्मान, नंबर 4 हज़रत अली. तो दीज आर द फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स. फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स के बाद हमारे पास पाँचवें नंबर पे हज़रत तला हैं, फिर हज़रत ज़ुबैर हैं. ये इनको बोला जाता है मार्टर्स ऑफ द बैटल ऑफ कैमल. इसके बाद सातवें नबी वक्कास, अबू बैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सईद बिन ज़ैद. तो चार खुलफ़ाए राशिदीन के बाद कोई ऑर्डर स्पेसिफ़िक नहीं है. ये एक मजलिस के अंदर बैठे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द कंपेनियंस, तो जब ये आते आते गए तो एक ही नशिस्त के अंदर इनको जन्नत की बशारत दी. जन्नत की बशारत देने का मतलब दे वर गिवन द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ पैराडाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज द अशराए मुबशरा, द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस. तो अब हम देख लेते हैं. अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हम कवर करेंगे तो इन तमाम पर्सनैलिटीज़ के अंदर देर आर ओनली 6 पर्सनैलिटीज़ जिनके ऊपर आइसोलेटेड 10 मार्क का सवाल आया है. आइसोलेटेड 10 मार्क के सवाल का मतलब ये कि वो स्टैंड अलोन पर्सनैलिटी के तौर पे पूछे गए हैं. जैसे हज़रत अबू बकर पे 10 मार्क का सवाल आता है, हज़रत उमर पे 10 मार्क का सवाल आता है, हज़रत उस्मान पे 10 मार्क का सवाल आता है और हज़रत अली पे 10 मार्क का सवाल आता है. तो इन चारों पे 10-10 मार्क के सवाल आते हैं. इसके अलावा जब हम मदर्स ऑफ़ द फेथफुल का टॉपिक करेंगे तो उन मदर्स ऑफ़ द फेथफुल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे 10 मार्क का सवाल आया. बाकी जितने भी कंपेनियंस हैं उन पे 2-2 करके सवाल आते हैं या 3-3 करके सवाल आते हैं. तो वो जैसे मैं आपको डिफरेंट पास पेपर क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2-2 या 3-3 का क्या मतलब है. तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हैंड आउट 1.4 रिलेटिंग टू द 10 बेस्ट कंपेनियंस, लेट्स मूव ऑन टू दैट. तो अब हम देख लेते हैं. नवंबर 2010 के अंदर सवाल आया, राइट अबाउट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू इस्लाम बाय हज़रत अबू बकर ड्यूरिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ टाइम. अच्छा, याद रखिएगा जितनी भी कंपेनियंस और जितनी पर्सनालिटीज़ को हम स्टडी करेंगे उसके अंदर जो फर्स्ट 4-10 बेस्ट कंपेनियंस हैं उनके बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट को कवर करना है इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि देयर सर्विसेज एज लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड द मेन इवेंट्स दैट टुक प्लेस व्हेन द प्रॉफिट पास्ड अवे एंड दे प्लेड देयर रोल एज कैलिफ्स एज खलीफा एल हैज़ खुलफाए राशिदून, वो पेपर 2 का सेक्शन 3 है, वो हम अलग से कवर करेंगे. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं देयर रोल इन द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी पेपर 1 का सेक्शन 4, तो उनमें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस होगी. बाकी जितने भी कंपेनियंस हैं उनकी तमाम लाइफ डिस्कस होगी अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे दैट यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कंपेनियंस के हवाले से. बहरहाल, तो हज़रत अबू बकर के बारे में हम क्या जानते हैं? अच्छा, गौर से नोट करें, ये 10 कंपेनियंस हैं लेकिन इनकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी. जैसे बहुत सारे कंपेनियंस ने माइग्रेट टू अबिसिनिया किया है, बहुत सारे कंपेनियंस जो हैं, बल्कि सारे के सारे कंपेनियंस जो हैं वो कुरैश की अलग अलग ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं. मोस्ट ऑफ द 10 बेस्ट कंपेनियंस एक्सेप्ट फॉर उमर आर द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स, जिन्होंने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया है. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. मोस्ट ऑफ द कंपेनियंस हैव टेकन पार्ट इन ऑल द बैटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम बदर, यानी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तबूक एक्सपेडिशन एक्सेट्रा. एक्सेप्शंस कुछ होंगी मगर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कमेंट्स. मोस्ट ऑफ देम सफर्ड परसिक्यूशंस एट द हैंड्स ऑफ द कुरैश, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेटेड टू मदीना, ऑल ऑफ देम माइग्रेटेड टू मदीना फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुबहान व तआला. तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स जो आपको नजर आएंगे. अगर आपको बायोग्राफी याद है, अगर आपको बायोग्राफी के 20 क्वेश्चन याद हैं जो हमने हैंड आउट 1.3 में किए हैं, पेपर 1 सेक्शन 3 में किए हैं, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किए हैं, तो आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा. तो लेट अस सी, लेट अस टॉक अबाउट हज़रत अबू बकर. हज़रत अबू बकर जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे और बनू तैम में पैदा हुए थे. इनका रियल नेम अब्दुल काबा था, यानी द सर्वेंट ऑफ काबा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चेंज करके अब्दुल्ला कर दिया बिकॉज वी कैन ओनली बी द स्लेव्स ऑफ अल्लाह सुभान व तआला. इसके अलावा ये 2 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे थे और बुरी और फहाश चीज़ों से बचा करते थे इवन बिफोर इस्लाम, और ही आल्सो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगामे नबूवत का आगाज़ किया, ही स्टार्टेड प्रीचिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम, तो द फर्स्ट 4 कन्वर्ट्स टू इस्लाम आर हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत ज़ैद बिन हारिस.
So he is the first male adult outside the family of the Prophet ﷺ to accept Islam, and he accepted Islam without any hesitation. It was because of him ke jab unhone daawat ka paigham aur logo ke samne rakha to most of the 10 blessed companions including Usman, Tala, Zubair, Saad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, all of these people accepted Islam at the hands of Hazrat Abu Bakr, yani Hazrat Abu Bakr convince karne pe unhone Islam ko qubool kiya. Iske ilawa जब हज़रत अबू बकर ने कुरैश के सामने तबलीग करना चाहिए और कुरान की वर्सेस स्ट्राइड करी तो इनको इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए. तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ सफ़र्ड परसिक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ द कुरैश. इनके साथ ऐसा भी होता कि इनको बनू ताइम के एक और 10 बेस्ट कंपेनियन है हज़रत तला, जिनको हम फिफ्थ नंबर पर डिस्कस करेंगे, तो उनको इन दोनों को रस्सी से कस के बांध के छोड़ दिया जाता और बनू ताइम से कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता. इसके अलावा ही बॉट मैनी मुस्लिम्स and set them free. तो ये मुसलमान slaves को खरीदते और उनको आज़ाद कर देते, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके मास्टर उमैया बिन खलफ बहुत ज़्यादा persecute करते थे, तो उन्होंने 10 गोल्ड कॉइन्स दे के उनको आज़ाद कराया. इसके अलावा ये पहले पर्सन थे कि जब वाकया मेराज हुआ, डू यू रिमेंबर द वाकया मेराज, तो 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट के आस पास जब वाकया मेराज हुआ एंड अबू जहल वेंट हियर एंड देयर टू शेक पीपल्स फेथ कि एक रात में तुम्हारे प्रॉफिट जो हैं वो सात आसमान भी होके आ गए और जरूसलम भी होके आ गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इट वाज अबू बकर हु सेड हु रिस्पॉन्डेड टू अबू जहल कि इफ़ द प्रॉफिट सेज सो देन इट इज़ ट्रू ट्रू, यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एंड हिज कॉन्फिडेंस डिड नॉट शेक, एंड दैट इज़ व्हाई ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक द टेस्टिफायर ऑफ ट्रूथ. इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सुसर भी लगते हैं, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ से महरूम हुए, व्हेन शी पास्ड अवे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ, तो उसके बाद हज़रत अबू बकर गॉट हज़रत आयशा मैरिड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर ये मैरिज जो है हज़रत आयशा जो है वो अपने ही घर रहती थी, उनका निकाह हो गया था, लेकिन जब माइग्रेशन टू मदीना हो गया तो उसके बाद द मैरिज गॉट कंज्यूमेटेड आफ्टर द माइग्रेशन टू मदीना, यानी फिर हज़रत आयशा जो है वो हुजूर के साथ रहना शुरू हो गई आफ्टर द माइग्रेशन टू मदीना. इसके अलावा ही जॉइंड द प्रॉफिट इन द जर्नी ऑफ द माइग्रेशन, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो वाहिद आदमी जिन्होंने जर्नी करी फ्रॉम मक्का टू मदीना, और वो पूरा केव ऑफ सौर वाला इंसिडेंट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ हैंडआउट 1.3 में क्या है उसका भी आप तस्करा कर सकते हैं, वो स्पाइडर वेब का आना, स्नेक का बाइट करना हज़रत अबू बकर को एंड सो ऑन. तो ही बॉट द प्लॉट फॉर द प्रॉफिट्स मॉस्क, क्वेश्चन 9 ऑफ 1.3, आप गौर से नोट करें किस तरह से 1.3 यानी लाइफ ऑफ द प्रॉफिट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. तो इन्होंने प्लॉट फॉर द प्रॉफिट्स मॉस्क फ्रॉम सहल एंड सुहेल को ख़रीदा, ऑल दो दे वॉन्टेड टू गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अबू बकर पेड द प्राइस ऑफ द लैंड. ही वॉज प्रेजेंट इन ऑल बैटल्स एंड अदर इवेंट्स, इसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर ने तमाम बैटल्स के अंदर शिरकत करी, स्टार्टिंग फ्राम द बैटल ऑफ बदर, द बैटल ऑफ बदर में अपने बेटे के खिलाफ लड़े, बैटल ऑफ ओहद में, अब ये जो बैटल ऑफ ओहद वाला पॉइंट है ये 10 के 10 कंपेनियंस में कॉमन है कि ही हज़रत अबू बकर शील्डेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ओहद, जब खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजी की वजह से मुसलमान आर्चर्स ने 50 आर्चर्स ने अपनी जगह छोड़ी, जिस वजह से खालिद बिन वलीद हम पे हावी हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया और मुसलमान रैंक्स के अंदर डिसअरेंजमेंट फैलने लगा, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द डिफेंसिव रिंग बनाने के अंदर ये भी शामिल थे, क्योंकि सारे दुश्मनान इस्लाम ने सारे एरोस प्रॉफिट की तरफ मारना शुरू कर दिए थे कि किसी तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, मगर ही वाज वन ऑफ दोज पीपल हु रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड फॉर्म अ डिफेंसिव रिंग टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द ब्लोज ऑफ द कुरैश. इसके अलावा ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, ही वॉज देयर एज अ गवाहान एज अ विटनेस इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. अब आप गौर से नोट करें, हम चल रहे हैं बैटल ऑफ बदर 2nd AH, बैटल ऑफ ओहद 3rd AH, बैटल ऑफ ट्रेंच 5th AH, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 6th AH, खैबर एक्सपेडिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, देन यू कैन टॉक अबाउट के कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसी तरह से तबूक एक्सपेडिशन में ही डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ एट द टाइम ऑफ तबूक एक्सपेडिशन. तो ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ चल रही है और उसमें हज़रत अबू बकर के रोल की बात हो रही है. इसी तरह से ही वॉज अपॉइंटेड एज द अमीर हज ऑफ पिलग्रमेज, तो जब हुजूर ने कॉन्क्वेस्ट मक्का 8 AH में कर लिया तो फिर उस साल हज़रत अबू बकर को अमीर हज जो है वो अपॉइंट किया गया. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लेड द डेली प्रेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलनेस, उनको ये भी सआदत हासिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम आखिरी दिनों के अंदर जब वो शदीद वीक पड़ गए तो उन्होंने अबू बकर को खड़ा किया इमामत के लिए, मुसलमानों की इमामत के लिए, एंड देन ही वॉज़ द पर्सन
who normalized the situation, who made the Muslims face the situation that the Prophet had actually passed away. So the Prophet ﷺ said, never has the sun risen or set on a person except a prophet greater than Abu Bakr. So afzalul bashar ba'dal anbiya, anbiya ke baad sabse afzalul bashar jo hain, afzal bashar jo hain wo, as per this hadith of the Prophet ﷺ, is Hazrat Abu Bakr. So these are some of the things that you can talk about while writing an answer. Lekin main aapko ek cheez bata dun, main jitne answers aapko karaun, jitna course aapko karaun, एग्जाम के अंदर बुलेट पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं लिखा जाता, बल्कि पैराग्राफ फॉर्म के अंदर ही आंसर को लिखा जाता है. ये बुलेट पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए हैं ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें, बट यू हैव टू राइट ऑल योर आंसर्स इन पैराग्राफ फॉर्म. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट बी आ गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 20 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन 1 to 4 10 प्लस कंपेनियंस के ऊपर है, तो वो हम देख रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट बी है, व्हाई वाज अबू बकर गिवन द टाइटल सेवियर ऑफ इस्लाम. अगर ये सेवियर ऑफ़ इस्लाम वाला टाइटल पेपर टू में आता तो आप हज़रत अबू बकर की वो अचीवमेंट्स के ऊपर रीजनिंग देते जो उन्होंने कैलिफ बन के करी हैं, जैसे कंपाइलेशन ऑफ कुरान, फाइटिंग अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स, और उस पर रीज़न देना लाजमी है. मगर यहाँ पर क्योंकि पेपर वन में पूछा गया है, तो फिर आप हज़रत अबू बकर की वो अचीवमेंट्स एज अ कैलिफ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कॉन्ट्रीब्यूशंस पे. तो ही एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी हेजिटेशन, विच प्रूव्स द इफेक्ट ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब देखें, मैं आपको जैसे बताता हूँ, पार्ट बी रेफर टू द इंसिडेंट एंड आइडेंटिफाई लेसन, अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ एंड टेल द बेनिफिट ऑफ इट. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट बी बताया था कि रेफर टू द इंसिडेंट, आइडेंटिफाई लेसन, अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ एंड टेल द बेनिफिट ऑफ इट. तो इस वाले केस के अंदर अगर आप गौर से नोट करें तो सिर्फ ये दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, रेफर टू द क्वेश्चन और द इंसिडेंट एंड देन आइडेंटिफाई लेसन, क्योंकि इसमें अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन मेरे रेफर टू द इंसिडेंट और आइडेंटिफाई लेसन का मतलब क्या है, उसको मैंने कलर कोड करके समझाने की कोशिश किया. ही इन्फ्लुएंस प्रोमिनेंट मक्कंस लाइक हज़रत उस्मान एंड हज़रत अला एंड अदर्स. ये तो आप पार्ट ए में बता चुके हैं कि ही इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम दैट मैनी टेन बेस्ट कंपेनियंस एक्सेप्टेड इस्लाम. तो ये एक फैक्ट है, ये आपने रेफ़र किया. अब इससे लेसन निकाल रहे हैं, विच हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम. क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे अगर कम्युनिटी इंक्रीज़ करने का तरीका इन्होंने बयान किया जिससे इनको हम सेवियर ऑफ़ इस्लाम कह सकते हैं, इन्होंने वो स्टेज सेट किया जिसके बेसिस पे मल्टीप्लायर इफेक्ट बना और फिर कंपेनियंस बढ़े और मुसलमानों की तादाद बढ़ी. तो ही वॉज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपेंडिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम टू वेरियस पीपल एंड दैट इज़ वाई ही इज़ द सेवियर ऑफ़ इस्लाम. तो अब ये रीजनिंग वाला मैटर है. अगर आपको ये रैप वाली चीज़ कभी समझ में ना आए और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप सिर्फ ये देख लें कि वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट्स होते हैं कि सिंस द रेन हैपेंड टुडे हेंस आई कुड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आइडेंटिफाई लेसन, तो रेफर टू द इंसिडेंट, आइडेंटिफाई लेसन. तो बीच में जो हम कंजक्शंस इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो कनेक्टिंग वर्ड्स आपकी रीजनिंग बताते हैं. जब तक आप रीजनिंग पार्ट बीज में नहीं देंगे, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे. रीजनिंग आपको देना लाजमी है. तो अगर आपको ये पार्ट बी अटेम्प्ट करने में मुश्किल लग रहा हो, जैसे मैं बताता हूँ कि हर पार्ट बी में आर आई ए बी में से कोई दो या तीन चीज़ें तो लग रही होंगी, लेकिन आप बोलो नहीं मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो फिर आप ये चीज़ समझ लें कि आपके आंसर में सो, बिकॉज, हैंस, समझ आ रही है, यानी यू हैव टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रेजेंटिंग और उसको लिंक करना है आज के दौर से. अगर इस क्वेश्चन में आज के दौर से नहीं हो रहा तो रीज़न से कनेक्ट करना है और इस रीज़न के मार्क्स मिलते हैं. रीजनिंग, इवेल्यूएशन और जजमेंट में मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स दोबारा स्टेट करने से मार्क्स नहीं मिलते. क्योंकि अगर फैक्चुअल डिटेल्स स्टेट करने से मार्क्स मिलते होते तो वो पार्ट ए में मिल गए होते, पार्ट बी में आपकी रीजनिंग को चेक किया जा रहा होता है. इसी तरह से हज़रत अबू बकर ने मुसलमानों को बचाया, तो प्रोटेक्टिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कम्युनिटी इंश्योर्ड सेविंग इस्लाम. क्योंकि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कन लाइफ में उनका गला घोटने की कोशिश की जा रही थी, उनको कपड़ा कसने की कोशिश की जा रही थी, तो अबू बकर ने आके बचाया एंड हेंस ही इज़ द सेवियर ऑफ इस्लाम. इसी तरह से जब माइग्रेशन टू मदीना हो रहा था, तो उन्होंने सांप ने उनको काटा, तो उन्होंने अपने आप को काटने दिया ताकि हुजूर को तकलीफ ना हो. दिस शोज़ हिज लॉयल्टी एंड बी टूवर्ड्स बींग द सेवियर ऑफ इस्लाम. इसी तरह से अगर आपके दिमाग में एक और रीज़न आ जाए जो यहाँ नहीं आया है, लेकिन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जैसे वाकई मेराज हुआ तो उस वक्त लोगों के ईमान को शेक करने के लिए अबू जहल और दूसरे नॉन मुस्लिम्स कोशिश कर रहे थे, तो ही स्टूड लाइक अ रॉक एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस. तो
So that is why he is known as the savior of Islam, because his confidence helped the other Muslims also remain steadfast on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and hence he is the savior of Islam. तो आप reasoning कोई भी दें, reasoning बहुत अलग अलग किस्म की हो सकती है. जैसे वाकई महराज की मैंने रीजनिंग यानी लिखी, लेकिन ये मुझे एक प्रॉपर आंसर लगता है इन पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाए तो. लेकिन अगर किसी ने वो वाकई महराज वाली रीजनिंग दे दी और यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, लेकिन ओवरऑल उसने दो तीन रीजंस देने की कोशिश की और उसको एलैबोरेट और डिस्क्राइब किया है, तो यू विल गेट अ 4/4. ओके, सो दिस वॉज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1B. कब देख लेते हैं, जून 2015 पेपर 1/1 क्वेश्चन नंबर 5. तो पेपर 1/1 क्या होता है, पेपर 1/1 का मतलब होता है कि वो आउटसाइड पाकिस्तान जो पेपर्स आते हैं वेरियंट या, तो उसको बोला जाता है पेपर 1/1. तो राइट अबाउट द रोल ऑफ हज़रत उमर इन द लाइफ ऑफ टाइम ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हज़रत उमर के बारे में लिखना है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हम बता सकते हैं कि 584 में पैदा हुए, इनकी ट्राइब बनू अदी थी और इनके फादर का नाम खत्ताब बिन नौफल था. अच्छा, अगर आप इनमें से एक दो डिटेल्स भूल जाएँ, वालिद साहब का नाम, तो उससे ओवरऑल मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने अपना अकाउंट अच्छा लिखा है. क्योंकि ये पूछ रहा है, द सवाल इज़ आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ हज़रत उमर, इट इज़ नॉट आस्किंग अबाउट हिज लीनियज एक्सेट्रा, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज सर्विसेज एंड रोल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. मगर अगर आप ये तीन चीज़ याद कर लेते हैं तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है. तो यू कैन टॉक अबाउट के बनू अदी को बिलोंग करते थे, इनके फादर कौन थे. हज़रत उमर ने स्किल्स ऑफ फाइटिंग, रेसलिंग और ओरेट्री हासिल किया हुआ था. बहुत ज़्यादा मशहूर थे रेसलिंग वगैरह के अंदर और डिबेट के अंदर. इन वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी. तो द प्रोफेट ने उनके लिए हिदायत के लिए दुआ करी. तो हुआ ये कि एक दफ़ा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के इरादे से जा रहे थे इन द फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड. तो हुआ ये कि इनकी मुलाकात हो गई इनके बेस्ट फ्रेंड से. तो उन्होंने अपने इरादे, उमर ने अपने इरादे के बारे में बताया कि मैं प्रॉफिट को मारना चाहता हूँ, कि कौन शख्स है जिसकी दावत की वजह से भाई भाई में दरार पड़ गई, बाप बेटे में दरार पड़ गई. क्योंकि जो इस्लाम कबूल करता तो उसके फैमिली वाले उसके अगेंस्ट हो जाते. तो क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली इस्लाम कबूल कर लिया था उनके बेस्ट फ्रेंड ने, तो उन्होंने जाके उनको बोला, नौईम नाम था, तो उन्होंने जाके उनको बोला कि पहले तुम अपने घर के हालात तो देखो, यानी अपनी बहन के हालात देखो. तो हज़रत उमर फ़ौरन अपनी बहन के घर गए, जिनका नाम फ़ातिमा था और उनके हस्बैंड का नाम सईद बिन जैद था, जो कि 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस की लिस्ट में 10th नंबर पे हैं. तो यानी हमारे डिस्कशन में. तो अब जब उमर उनके पास पहुँचे तो खबाब बिन अर्त आए हुए थे, जो इन दोनों को, न्यू कॉन्वर्ट्स को, यानी उमर के बहनोई और उमर की बहन को, कुरान सिखा रहे थे. जब उमर की उन्होंने आवाज़ सुनी हिज़ नॉक ऑन द डोर, तो वो छुप गए. उसके बाद उमर आए, उमर के दरमियान, उमर और इनकी बहन के दरमियान थोड़ा मुकालमा हुआ. उन्होंने अपनी बहन को इस तरह से झटका दिया जिससे उनके चेहरे से खून बहना शुरू हो गया. मगर उनकी बहन स्टेडफास्ट रहीं कि हम किसी भी हाल में इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे. फिर जब उनको हज़रत सूरह ताहा की कुछ वर्सेस सुनने को मिली, उन्होंने उनको पढ़ के देखा अपने आप को पाक और साफ़ करने के बाद, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हुज़ूर के पास जाने के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया. तो हुज़ूर को इनका इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ. क्योंकि इनके इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम पब्लिक हो गया. क्योंकि उन्होंने एक दिन आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं. प्रॉफिट ने बोला, नहीं. तो बोले, हम सबके सामने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, हम पहाड़ों में छुप कर या अलग अलग जगहों में छुप कर नमाज़ क्यों पढ़ते हैं. तो इट वॉज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट वी स्टार्टेड ओपनली प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ द काबा. ही वॉज़ वन ऑफ दोज वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल जिन्होंने जब माइग्रेशन का वक्त आया तो बोला कि अगर कोई अपनी बीवी और बच्चों को बेवा और यतीम नहीं कराना चाहता तो मुझसे पीछे क्लिफ पे आके मिल ले, वरना मैं माइग्रेट करके जा रहा हूँ मदीना, कोई रोक सकता है तो रोक ले. तो दैट वॉज द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दैट उमर हैड. उसके बाद मदीनन लाइफ के अंदर उन्होंने क्या किया, मक्कन लाइफ की सर्विसेज हो गई. मदीनन लाइफ के अंदर ही टुक पार्ट इन ऑल द बैटल्स इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ वहद में वही वाला जुमला, ही फॉर्म्ड अ डिफेंसिव रिंग अराउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड व्हाट एल्स डिड ही डू. तो ही टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ अहद और उन्होंने ये जैसे मैंने आपको बताया कि उमर वेंट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द माउंटेन ऑफ अहद एंड डिफेंडेड हिम. इसके बाद हज़रत उमर ने अपनी बेटी की शादी हज़रत हफ्सा की शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा दी. एंड दैट इज़ हाउ अबू बकर एंड उमर बोथ आर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदार, इन द सेंस के दे आर बोथ द ससुर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फादर इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसके बाद फिर फिफ्थ एज के अंदर ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ ट्रेंच. ये जो जुमले में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये हर कंपेनियन के साथ नहीं लिखे होंगे, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि मदीना लाइफ में उनको कैसे कवर करना है. क्योंकि हर कंपेनियन के लिए मोस्ट प्रोबेबली दीज मदीनन सर्विसेज आर कॉमन. जैसे मिसाल के तौर पर, लेटर ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड वॉज वन ऑफ द विटनेसेस ऑफ द वे
पैक्ट गवाहान में शामिल थे उस ट्रीटी के। इन 628 खैबर एक्सपेडिशन जब हुआ तो खैबर एक्सपेडिशन का भी पार्ट ये थे। इन 638 AH के अंदर, एट्थ ईयर आफ्टर हिजरत, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम आर्मी फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और उसके बाद बैटल ऑफ हुनैन, सीज ऑफ ताइफ, तबूक एक्सपेडिशन, इन सब में इन्होंने अपना रोल प्ले किया और पार्टिसिपेट किया। एंड इन फैक्ट अबू बकर ने तो अपनी पूरी जायदाद तबूक एक्सपेडिशन में दी थी, इन्होंने अपनी आधी जायदाद तबूक एक्सपेडिशन में दी। इन्होंने हज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेयरवेल हज के अंदर, और मैनी रेवलेशन जो उन्होंने सजेस्ट करी वो उनके, यानी वो जो सजेस्ट करते उसके बाद वो रेवलेशन का हिस्सा बन जाती है, अल्लाह ताला भी वही में वो उतार देते। जैसे औरतों को पर्दा करना चाहिए और मॉडर्स्ट ड्रेसिंग में रहना चाहिए, हज़रत उमर का मशवरा था, अजान का भी हज़रत उमर का मशवरा था, और उसके बेसिस पे वो रेवलेशन के तौर पे अमल में आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि इफ़ देर वुड हैव बीन एनी मोर प्रॉफिट आफ्टर मी इट वुड हैव बीन उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर होता, मगर आई एम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, लास्ट ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ही वॉज प्रेजेंट इन ऑल बैटल्स एंड अदर इवेंट्स, ही डोनेटेड हाफ ऑफ हिज वेल्थ इन तबूक एक्सपेडिशन, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ हज़रत अबू बकर, एंड ही गेव द आइडिया ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान, एंड हज़रत हफ्सा, वन ऑफ द मदर्स ऑफ द फेथफुल, वॉज हिज डॉटर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। अब इसी का पार्ट भी है कि एक मुसलमान क्या लेसन सीख सकते हैं हज़रत उमर की कन्वर्जन से, हम क्या हज़रत उमर की कन्वर्जन से लेसन सीख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी थे, एक बंदा जो कि इस्लाम के लाने वाले यानी सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो होली पाक वसल्लम को मारने के इरादे से जा रहा हो, यानी कितनी शिद्दत से नफ़रत उसके दिमाग में इस्लाम के लिए भरी हुई थी, मगर कुरान की वर्सेस के बेसिस पे कुरान का उन पे असर हुआ और कुरान का असर होने की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इससे हमें पता चलता है कि हमें जितना भी कोई स्ट्रॉन्ग नॉन मुस्लिम हो या वो इस्लाम को पसंद ना करता हो, हमें उसको मैसेज ऑफ गाइडेंस, कुरान का मैसेज पहुंचाते रहना चाहिए, क्या पता कि वो कभी इस्लाम कबूल कर जाए, कभी किसी पे हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। दूसरा, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि इन्होंने बोला कि इस्लाम मैं तो किसी भी हाल में अपने ईमान को छुपाऊंगा नहीं, एंड आई विल कैरी इट इन पब्लिक। इससे मुसलमानों को ये सबक मिलता है कि दे शुड बी ओपन अबाउट देयर फेथ एंड शुड नॉट हाइड इट। सिमिलरली उनकी जो बहन थी वो स्टेडफास्ट रही, हालांकि इनमें भाई बहन का बहुत ही क्लोज़ रिश्ता था, मगर जब दीन की बात आई तो दीन की बात आने के बावजूद उन्होंने ब्लड रिलेशंस को भी खातिर में ना लाई। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इस्लाम और ट्रूथ के लिए हमेशा हक और सच के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने फेथ को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट यू कैन राइट विद रिगार्ड्स टू दिस क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या लिखा हुआ है, गिव एन अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ उस्मान एंड अली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान के ऊपर 10 माह का अलग से भी सवाल आ सकता है, हज़रत अली के ऊपर भी आ सकता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हज़रत उस्मान और अली की लाइफ को थ्रू दिस क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था टोटल 4 पास पेपर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम तीसरे पे आ गए। तो तीसरे के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये 579 में पैदा हुए, ये बनू उमैयद थे, इनके फादर का नाम अफ़ान था, ही वॉज नोन फॉर हिज मॉडेस्टी, और ज़माने जाहिलियत के अंदर जब तक इस्लाम नहीं आया था तब भी ये बुरे कामों और इमॉडेस्ट एक्टिविटीज़ और फाहशी की एक्टिविटीज़ से दूर रहा करते थे और अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखते थे। ही एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द इन्विटेशन ऑफ हज़रत अबू बकर। अब ये वाला जो जुमला है, ही एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द इन्विटेशन ऑफ अबू बकर, ये आप बाकी सारे कंपेनियंस के लिए लिख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर हज़रत उमर एंड हज़रत अबू बकर। तो ही एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द इन्विटेशन ऑफ हज़रत अबू बकर, ही वॉज टॉर्चर्ड बाई हिज अंकल, यानी इनके अंकल उनको मैट के अंदर रोल कर देते और फिर आग जलाते लीव्स के ऊपर और उनको सफोकेट करने की, और उस धुएं से उनको सफोकेट करने की कोशिश की जाती। इसके अलावा इनको तब तक खाना नहीं दिया जाता जब तक ये बेहोश ना हो जाते भूख के मारे। सो दिस इज़ हाउ ही सफर्ड अर्ली प्रोसिक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ द कुरैश। तो उमर के अलावा एक और पॉइंट कॉमन है सारे 10 बेस्ट कंपेनियंस के अंदर कि ऑल ऑफ देम सफर्ड प्रोसिक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ द कुरैश। इसके अलावा हज़रत रुकैया को जब तलाक पड़ गई उतबा से, जो अबू जहल का बेटा था, और रुकैया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, सेकंड बेटी, तो उनकी शादी फिर हो गई हज़रत उस्मान से, और हज़रत उस्मान से शादी होने के बाद ये लोग माइग्रेट करके चले गए टुवर्ड्स अबिसिनिया। तो फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफेटहुड के अंदर ये लोग माइग्रेट करके चले गए टुवर्ड्स अबिसिनिया। तो उसके बाद फिर हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा से इनकी शादी हो गई, जिसकी वजह से, और उन्होंने माइग्रेट किया इन द फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफेटहुड टुवर्ड्स अबिसिनिया। तो द प्रॉफेट रिमार्क्ड अबाउट दिस कपल, दिस इज़ द फर्स्ट कपल टू माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह आफ्टर इब्राहिम एंड हिज वाइफ। और उसके बाद जब एक र्यूमर फैला 619 के अंदर के मक्कंस ने इस्लाम कबूल कर लिया है, सो दे केम बैक टू मक्का,
लेकिन पता चला कि वो र्यूमर फॉल्स था. सो दे माइग्रेटेड अगेन इन द कॉज ऑफ अल्लाह टुवर्ड्स मदीना. तो इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु माइग्रेटेड ट्वाइस इन द वे ऑफ अल्लाह सुभान व तआला. मदीना पहुँचने के बाद ही वाज़ सो जेनरस कि इन्होंने 20,000 दिरहम दे के एक ज्यू से वेल ख़रीदा, पानी का वेल, जिससे तमाम मुसलमान पानी पी सकें. तो ही रेंडर्ड हिज वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम इन मदीना एज वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 20,000 दिरहम वाला मामला. इसके बाद इन्होंने तमाम बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट फॉर बदर. व्हाई डिड ही नॉट पार्टिसिपेट हिज बदर इन बदर? क्योंकि हज़रत रुकैया की तबीयत सही नहीं थी, तो हुज़ूर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप घर पर उनका ख्याल रखें. एंड ऑन द डे वेन द मैसेंजर केम टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ मदीना दैट द मुस्लिम्स हैड वन द बैटल ऑफ बदर वॉज द सेम डे दैट रुकैया पास्ड अवे. और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द पीपल वेंट टू ग्रीव एट द ग्रेव ऑफ हज़रत रुकैया व्हेन दे केम बैक. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया की डेथ के बाद हज़रत उस्मान को बहुत ज़्यादा गमगीन पाया, तो उन्होंने अपनी तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उस्मान के साथ कर दी, जिस वजह से उनको टाइटल मिला जुने नूरैन द पोजेसर ऑफ टू लाइट्स, बिकॉज ही वॉज मैरिड टू टू लाइट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन आफ्टर द अदर. इन द इवेंट ऑफ हुदैबिया इनको भेजा गया था ताकि ये मक्कंस को इन्फॉर्म कर सकें कि हम यहाँ पर बैटल के इरादे से नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ उमरे के इरादे से आए हैं. और जब इनको होस्टेज के तौर पर रख लिया गया और एक र्यूमर मुसलमानों में फैला कि हज़रत उस्मान को ना हक कत्ल कर दिया गया है, तो बैत रिजवान लिया गया. हुजूर ने एक ट्री के अंदर 1400 मुसलमानों से बैत ली कि अगर उस्मान को ना हक कत्ल किया गया है तो वी विल फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड. लेकिन बाद में उस्मान को रिलीज़ कर दिया गया और फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हुई. तो यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट एज़ वेल. ही प्रोवाइडेड मनी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मस्जिद नबवी. मस्जिद नबवी को ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद एक्सटेंड जो करना था उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी रिसोर्सेज फराम करी. इन्होंने तबुक एक्सपेडिशन के अंदर 300 कैनिमल्स और 1000 दिनार्स डोनेट किए. तो ही वाज अ वेरी जेनरस पर्सन एंड दैट इज़ व्हाई ही गॉट द टाइटल ऑफ गनी. अल्लाह के नबी ने तबुक एक्सपेडिशन के मौके में इनके बारे में फरमाया, ओ गॉड आई एम प्लीज विद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, आई बेग यू टू बी प्लीज विद हिम. ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंट स्क्राइब ऑफ रेवलेशन. तो यू कैन टॉक अबाउट यू जितने भी 10 बेस्ट कंपेनियंस हैं, दे वर ऑल फ्रीक्वेंट स्क्राइब ऑफ रेवलेशन. स्क्राइब ऑफ रेवलेशन का मतलब वही लिखने वाले. जब भी प्रॉफिट पे वही आती तो वो बैठ के उनको डिक्टेट कराते और ये सब लिखा करते. दिस इज ऑल्सो कॉमन फीचर अमंग ऑल ऑफ देम. ड्यूरिंग द फेयरवेल पिलग्रमेज हुजूर को इन पर इतना ट्रस्ट था कि तमाम हुजूर की वाइफ्स की जिम्मेदारी हज़रत उस्मान को दी गई थी कि हज़रत उस्मान को प्रोटेक्ट और गार्ड करेंगे ड्यूरिंग द फेयरवेल सरमन एंड द फेयरवेल पिलग्रमेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर नबी ऑफ अल्लाह के लिए एक कांस्टेंट कंपेनियन है और मेरा रफ़ीक, मेरा कंपेनियन पैराडाइज के अंदर उस्मान होगा. और द मोस्ट जेन्युइनली मॉडेस्टेस्ट उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया. सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हज़रत उस्मान ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. सिंस द क्वेश्चन हैड आस्क्ड अबाउट हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली बोथ, तब हम हज़रत अली के बारे में देख लेते हैं. तो हज़रत अली जो है वो 599 में पैदा हुए हैं, बनू हाशिम के बिलोंग करते हैं और वालिब का नाम है अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब. अबू तालिब के ऊपर कुछ माशी तंगियाँ आईं, जिस माशी तंगी या इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से बचपन से ही हज़रत अली जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही पलना शुरू हो गए. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम नबूवत का आगाज़ किया तो ही वॉज़ द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम. इन फैक्ट जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली को प्रीच करने के लिए उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया और फिर जब अपनी स्पीच का आगाज़ किया और किसी ने उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हज़रत अली जो कि उस वक्त सिर्फ 10 से 12 साल के बच्चे थे, वो खड़े हुए गैदरिंग के अंदर, उन्होंने फरमाया कि माई फीट मे नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हू एवर अपोजेज यू आई शेल फाइट हिम एज माई मॉर्टल एनिमी, मैं उसको अपनी जानी दुश्मन के तौर पर ट्रीट करूँगा. तो दिस वॉज द काइंड ऑफ loyalty, steadfastness, mohabbat, respect of Hazrat Ali with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसके बाद he suffered all the difficulties at the hand of the Quraysh, including the boycott of Banu Hashim. तो आपको याद होगा biography के अंदर 7th to 9th year के अंदर 3 साल का एक ऐसा boycott पूरे कुरैश ने मिलके बनू हाशिम के ख़ानदान का किया था कि उनके लिए खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी और उनको भूख प्यास से गुजरना पड़ा और हर किस्म का सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट था. तो उसमें हज़रत अली जो थे वो भी शरीक थे और उन्होंने भी इस चीज़ को सफ़र किया. इसके अलावा ही वॉज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेशन टू मदीना कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, उनको मारने का प्लान बनाया गया और वो अबू बकर के साथ रवाना हुए, तो उन्होंने अपने चहीते भाई, अपने चहीते कज़न हज़रत अली को अपने बेड पर सुलाया कि आप जो हैं वो वैल्यूएबल्स लौटाएंगे कुरैश को, मक्कंस को, बिफोर यू कम टूवर्ड्स मदीना. तो दिस वॉज ऑल्सो डन बाय हज़रत अली. फिर हम देखते हैं कि जब मदीना में ब्रदरहुड कायम करने की बात हुई तो अंसार और महाजरीन के दरमियान ब्रदरहुड कायम हो रहा था. एक अंसारी मदीना से सेलेक्ट किया जा रहा था बंदा और एक महाजर मक्का से सेलेक्ट किया जा रहा था, दोनों को भाई बनाया जा रहा था. लेकिन उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के तौर पर अली को लिया, दैट यू आर माई ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड द लाइफ हियर आफ्टर. इसके बाद हज़रत अली जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं,
हुजूर के चचा के बेटे हैं, उनकी शादी जो है वो अपनी सबसे छोटी और प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कराई और उसमें से उनको चार औलादें हुई, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसुम। तो दीज वर द फोर औलादें दैट हज़रत अली हैड फ्राम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। इसके बाद ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल द बैटल्स। तो वो जो हम हज़रत अबू बकर उमर उस्मान में डिस्कस करके आए कि ही पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ अहद, बैटल ऑफ ट्रेंच, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, खैबर एक्सपेडिशन, बैटल ऑफ मुता, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, बैटल ऑफ हुनैन, सीज ऑफ ताइफ, तबुक एक्सपेडिशन। अच्छा, तबुक एक्सपेडिशन नहीं, बाकी तमाम बैटल्स के बारे में आप ये सारा तस्करा कर सकते हैं इनके हवाले से। इन फैक्ट इन्होंने वलीद बिन उतबा को बदर में मारा और अमर बिन अबूद को ट्रेंच में मारा और इसी तरह से खैबर एक्सपेडिशन के अंदर इन्होंने महरब को मारा। एंड ही वॉज द स्क्राइब ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो अबू बकर एंड उमर वर द विटनेसेस, गवाहान ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, वेर एज अली वॉज द वन हु वॉज राइटिंग द ट्रीटी फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से इनको असदुल्ला और हैदर करार का टाइटल इसलिए मिला बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेव, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेव वॉरियर काइंड ऑफ अ पर्सन एंड नो एनिमी कुड एस्केप हिम। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक एक्सपेडिशन का इरादा फरमाया तो हज़रत अली को मदीना में रखा कि आप मदीना के अफेयर्स का ख्याल रखेंगे। इनके पास ये भी सआदत है कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को वॉश किया और उनको ग्रेव के अंदर उतारा। ही वॉज़ वेरी हाईली नॉलेजेबल और जितने भी कैलिफ्स थे वो उनसे, उनको मजलिस शुरा में रखे उनसे मशवरे को तलब किया करते थे। और जो है ही वॉज ऑल्सो स्क्राइब ऑफ रेवलेशन एंड यूज़ टू राइट डाउन द रेवलेशन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्टेटेड। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड रिगार्डिंग हज़रत अली कि अगर मैं सिटी ऑफ नॉलेज हूँ तो अली उसका गेट है, अली उसका दरवाज़ा है। इसी तरह से द प्रॉफेट ने उनके बारे में फरमाया कि आप मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे हारून मूसा के लिए थे, क्योंकि हारून एंड मूसा बोथ आर प्रॉफिट्स बट दे आर ब्रदर्स एक्सेप्ट देर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी। तो उन्होंने बिल्कुल अपने भाई जैसा हज़रत अली को जाना, एक्सेप्ट दैट देर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, यानी हज़रत अली के पास नबूवत का दर्जा नहीं है, मगर ही वॉज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू द सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ सिंस द क्वेश्चन नंबर थ्री हैड आस्ड फॉर हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली, तो वो पर्सनैलिटीज हमने डिस्कस कर ली। अब उसका पार्ट बी है कि उस्मान से रिलेटेड आया है कि उस्मान वॉज नोन टू बी जेनरस विद हिज वेल्थ, हाउ कैन मुस्लिम्स अप्लाई द ट्रेट ऑफ जेनरॉसिटी। तो ये मैंने एक पूरा आंसर लिखा है अपने नोट्स में से, जिसको मैंने पॉइंट फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को मैं बोलूँगा रेफर टू द इंसिडेंट, इसका अपना कोई वेटेज नहीं है। अगर सिर्फ आप ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं लिखेंगे, ये रेफर टू द इंसिडेंट है जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी चीज़ क्या है, आइडेंटिफाई लेसन। मगर इस सवाल के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर गुफ्तगु हो रही है, तो द मेन क्रक्स ऑफ द आंसर शुड बी हियर। ठीक है, द मेन क्रक्स ऑफ द आंसर शुड बी हियर। तो ये जो नीचे के दो पैराग्राफ्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन, कि किस तरह से एप्लीकेशन करनी चाहिए जेनरोसिटी की आज के दौर के अंदर। तो जेनरस क्या होता है, सखी होना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वी शुड ट्राई टू स्पेंड वट एवर वी हैव इन द वे ऑफ अल्लाह एज एंड वेन नीडेड, चाहे हम ऑर्फन्स और विडोज़ और पुअर की मदद करें बाय हेल्पिंग देम आउट फाइनेंशियली, बाय फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ फूड, क्लोदिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये आपने लिख दिया एक एप्लीकेशन कि आज के दौर में मैं ऑर्फन की मदद करूंगा, आज के दौर में मैं बेवा की मदद करूंगा, उनके घर में खाना डलवाऊंगा, राशन डलवाऊंगा, ऑर्फनेजेस को सपोर्ट करूंगा और इस तरह से अपनी वेल्थ को जेनरस तरीके से खर्च करूंगा अल्लाह के रास्ते में। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली हमें एक फ़ंड बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के हवाले से, जहाँ 57 to 54 इस्लामिक कंट्रीज़ का एक नुमाइंदा बॉडी है। तो उसमें हमें जहाँ जहाँ अगर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से परेशान है, टेररिज्म से परेशान है, अर्थक्वेक से परेशान है, सुनामी से परेशान है, फ्लड से परेशान है, फेमाइन से परेशान है, तो कलेक्टिवली हमें फंड्स जमा करके उन तक, गरीब लोगों तक, मुस्तहक लोगों तक हेल्प पहुँचानी चाहिए, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये मैंने अपना आंसर लिखा है। अब हम देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम होती क्या है, उसका भी आपको एक्सपोजर दे देते हैं। तो अब जो इसकी मार्किंग स्कीम है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कैंडिडेट्स कैन गिव अ नंबर ऑफ आंसर्स बट दे शुड ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ हाउ मुस्लिम्स कैन यूज़ देयर वर्ल्ड।
तो द की वर्ड ओवर हियर इज़ कि आपको एग्जाम्पल देनी है, आपको पास्ट में नहीं जीना कि हज़रत उस्मान ने ये किया और हज़रत उस्मान ने वो किया और प्रॉफिट ने उनके बारे में ये फरमाया और हज़रत उस्मान की ये फजीलत थी, क्योंकि वो सारी नॉलेज आप फराम कर चुके हैं पार्ट ए में। सिर्फ उसको रेफ़र करें एक लाइन के अंदर और फिर बताएं हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर टू देखें बुलेट के अंदर कि दे कुड प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर पीपल लाइक उस्मान प्रोवाइडेड द वाटर वेल फॉर फ्री। तो अब आपने इसमें रेफ़र कर दिया कि जिस तरह से उस्मान ने वाटर वेल आम मुसलमानों के लिए ख़रीद के पेश किया, इसी तरह से आज के दौर के मुसलमानों को भी लोगों के बेनिफिट के लिए चीज़ें खरीद के उनमें बांटनी चाहिए। तो आप इस तरह से रेफ़र टू द इंसिडेंट आइडेंटिफाई लेसन, रेफ़र टू द इंसिडेंट आइडेंटिफाई लेसन या इस आइडेंटिफाई लेसन की जगह आप एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। सिमिलरली हम मॉस्क को दे सकते हैं ताकि उनमें एक्सपेंशन हो सके, जैसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद हज़रत उस्मान ने मस्जिद नबी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे दिए, और हॉस्पिटल्स में दे सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए दे सकते हैं जो लोग उसको सब अफोर्ड नहीं कर सकते, कैंसर पेशेंट्स को डोनेट कर सकते हैं। दीज आर सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दैट यू कैन गिव। इवन इफ़ दे डोंट हैव मनी तो मुस्लिम्स कैन बी जेनरस विद वॉट एवर दे हैव। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, हमारे पास 10 करोड़ रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप अपनी मील में से किसी को शेयर करा दें, तो आप अपने खाने में से किसी को शेयर करा दें, तो ये भी जेनरोसिटी का एक बहुत बड़ा मामला है। और जो लोग पैसे से जेनरस नहीं हो सकते, तो जेनरस होने की और भी तरीके हैं, और वो जेनरस होने के और तरीके क्या हैं कि आप लोगों को अपनी एडवाइस दें। जैसे अगर आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप और जूनियर स्टूडेंट्स को अच्छी राय दें। आप अच्छे टीचर हैं तो आप अपने जूनियर टीचर्स को अच्छी राय दें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको एडवाइस दें, उनको सपोर्ट करें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी जेनरोसिटी ज़ाहिर होगी। नाउ दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जेनरोसिटी। अगर आप ये एप्लीकेशंस ऑफ जेनरोसिटी लिख देते हैं और आपने रेफ़र टू द इंसिडेंट और अपने आंसर को इतना डेकोरेट नहीं किया होता, लेकिन एप्लीकेशन जो सवाल ने मांगा था उसको आप दे देते, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिल जाते। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3।